हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सानोटो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस इटालियन कंपनी बेनली के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो अपने अमेजिंग डिजाइन वाले स्पोर्टिंग एंड रेसिंग मोटरसाइकिल्स के लिए ही जाने जाते हैं। और दोस्तों, हाल में ही ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि बेनली आने वाले 2 सालों के अंदर टोटल 11 बाइकों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं में से 5 ऐसे बाइकों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी लॉन्चिंग सबसे पहले और रिसेंटली होने वाली है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी आने वाले टाइम में कोई बेनली की बाइक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे लिस्ट की फर्स्ट बाइक है बेनली TNT 300। कैटेगरीज के हिसाब से ये एक नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। इस बाइक की BS4 मॉडल को मार्केट से ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं इसका BS6 मॉडल बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च भी होने वाली है। बाइक में आपको न्यूली फीचर LED हेडलाइट, न्यू कलर ऑप्शंस, न्यूली डिजाइन LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं, जो आपको पुराने BS4 मॉडल में नहीं देखने को मिलती थी। साथ ही इसमें आपको पुराने मॉडल जैसा ही 6-speed ट्रांसमिशन, फ्रंट एंड रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक, 16 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, 431.8 mm की अलॉय व्हील्स और राइडल ट्यूबलेस टायर भी मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बाइक के सस्पेंशन सेटअप और मीटर कंसोल की। तो न्यू बाइक में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है, जिसमें सिर्फ टाकोमीटर एनालॉग में और बाकी सभी चीज़ें डिजिटल वे में शो हो जाएंगी। साथ ही इसके फ्रंट में आपको इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन का यूज़ किया गया है। बाइक में पावर जनरेट करने के लिए इस बार इसमें आपको BS6 कॉम्पैक्ट इंजन दिया जा रहा है, जो कि 300cc का 2-सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल 8-वाल्व फ्यूल इंजेक्ट DOHC इंजन होने वाला है, जो कि 38.26 bhp के आसपास मैक्स पावर और 26.5 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो TNT 300 के BS4 मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 2.99 लाख। इसलिए हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि इसके BS6 वर्जन का प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज ज़्यादा होने वाला है। और दोस्तों, ये एक अपग्रेडेड मॉडल होने के कारण ये आपको 2 से 3 महीनों के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट के दूसरी बाइक है बेनली लियनसिनो 250। इंडियन मार्केट में रेट्रो स्कैम्बलर बाइक के बढ़ते हुए डिमांड को देखकर ही बेनली इस बाइक को बहुत ही जल्द दिसंबर तक इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। बेनली इस बाइक को 2020 में ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, जिसका लुक लियनसिनो 500 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बाइक के इंजन एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 249cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व BS6 कॉम्पैक्ट फ्यूल इंजेक्ट DOHC इंजन देखने को मिलने वाला है, जो मैक्सिमम 25.8 bhp के आसपास पावर और 21 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6-speed ट्रांसमिशन और LED लाइटिंग सेटअप मिलने वाले हैं। साथ ही डुअल चैनल ABS रहेगा आपके सेफ्टी के लिए और इसका मीटर कंसोल डिजिटल में होने वाला है, जिसमें आपको सारे मेजर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी। दोस्तों, एक मॉडर्न रेट्रो लुक कैरी करने की वजह से इसमें आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप और डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर किया जाएगा। बाइक में सस्पेंशन सेटअप भी आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसके फ्रंट में आपको 41 mm के USD फ्रंट फॉक और रियर में प्री लोडेड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्वर का यूज़ किया गया है। फाइनली, बाइक के प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको 2.50 लाख एक शोरूम प्राइस टैग के साथ 2021 के दिसंबर तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट की नेक्स्ट बाइक है बेनली TRK 251, जो कि एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी की बाइक होने वाली है। हालांकि ये बाइक 2019 में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से इसके लॉन्चिंग को डिले कर दिया गया था। लेकिन अब इंडियन मार्केट में कई सारी एडवेंचर बाइक्स लॉन्च होने की वजह से बेनली भी अपने इस एडवेंचर बाइक को बहुत ही जल्द 2022 के स्टार्टिंग में ही लॉन्च करने वाली है। बाइक के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एडवेंचर कैटेगरी की बाइक होने के कारण इसमें आपको एक अपस्वीप राइडिंग पोस्चर, टॉल विंडस्क्रीन और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप मिलने वाले हैं। एक एडवेंचर बाइक होने के बावजूद भी इसमें आपको पावर आउटपुट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसमें आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्ट BS6 कॉम्पैक्ट DOHC इंजन ऑफर किया जाएगा, जो मैक्सिमम 25.83 bhp के आसपास पावर और 21.2 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। दोस्तों, यही सेम इंजन आपको TNT 25 में भी ऑफर किया जाता है। साथ ही इसमें आपको 41 mm की USD फ्रंट फॉक, रियर में स्विंग आर्म विद शॉक एब्जॉर्बर मिलने वाला है। डुअल चैनल ABS रहेगा आपके सेफ्टी के लिए और इसका मीटर कंसोल जो है डिजिटल वे में होने वाली है, जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन शो हो जाने वाली है। बाइक के बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6-speed ट्रांसमिशन, 17 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, हैलोजन हेडलाइट विद LED DRLs, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स,
फ्रंट एंड रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक 431.8 mm के अलॉय व्हील्स विद राइडल ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। फाइनली बाइक के लॉन्चिंग डेट और प्राइस की बात करें तो ये आपको 2022 के मार्च से अप्रैल तक 2.30 लाख एक शोरूम प्राइस टैग के साथ अवेलेबल हो जाएगी। हमारे लिस्ट की लास्ट बाइक है बेंटली की 302R, जो एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। इस बाइक का BS4 मॉडल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इस बाइक को बहुत ही जल्द BS6 अपग्रेड के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। इसमें आपको 300cc का 2-सिलेंडर 4-स्ट्रोक 8-वाल्व BS6 कॉम्पैक्ट DOHC लिक्विड कूल इंजन ऑफर किया जाएगा, जो 38.79 BHP के आसपास मैक्स पावर और 26.5 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। दोस्तों, बाइक में सिर्फ इंजन को ही नहीं, इसके लुक को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है पुराने मॉडल के तुलना में। जहाँ पुराने मॉडल में आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती थी, वही न्यू मॉडल में आपको वर्टिकल प्रोजेक्टेड LED हेडलाइट ऑफर किया जाएगा विद LED डियाडिस। इसके अलावा भी इसमें आपको LED टेल लाइट, न्यू बॉडी ग्राफिक्स, 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी और साइड पैनल्स भी मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको 6-speed ट्रांसमिशन, ड्यूल चैनल ABS, फ्रंट एंड रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक, राइडल ट्यूबलेस टायर ऑफर किए जाने वाले हैं। और इसका मीटर कंसोल एनालॉग प्लस डिजिटल में होने वाला है, जिसमें टाकोमीटर सिर्फ एनालॉग में और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल वे में शो हो जाने वाली है। बाइक में सस्पेंशन का काम करने के लिए इसके फ्रंट में आपको 41 mm की टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक और रियर में स्विंग आर्म विद शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ किया गया है। फाइनली इस बाइक के लॉन्चिंग डेट और प्राइस की बात करें तो ये बाइक भी आपको 2022 में ही लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी और इस बाइक का प्राइस 3.50 लाख एक शोरूम रहने वाला है।